नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर के शेरपुर गांव के रहने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच शिवशंकर राय की स्मृति में शेरपुर के शहीद क्लब ग्राउंड में शेरपुर में 28 से 31 मार्च तक ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश की 10 नामी टीमें भाग लेंगी। साथ ही इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों के राज्यपाल भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। आज इस बात की जानकारी आयोजन समिति के लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया। बताते चले कि शेरपुर कला गांव की वॉलीबॉल की खेल में अपनी एक राष्ट्रीय पहचान है। यहां के 100 से भी ज्यादा खिलाड़ी आज खेल कोटा से सरकारी नौकरी में है। इसी गांव के रहने वाले शिवशंकर राय वॉलीबॉल के राष्ट्रीय कोच थे, जिनके नाम पर शेरपुर में वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है। 28 मार्च को इसका उद्घाटन होगा और हम लोगों का प्रयास है, पूरी संभावना है कि इसका उद्घाटन ऑनरेबल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी गवर्नर गोवा, इनके द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा और समापन भी बकिया दो गवर्नर हमने बताया, आप लोगों को सूचना दिया, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी गवर्नर वेस्ट बंगाल और श्री लालजी टंडन जी गवर्नर बिहार, इन दोनों लोगों में से किसी एक के द्वारा समापन किया जाएगा और बीच में कोई एक आदमी और बीच में वो आएंगे वीवीआईपी के रूप में। जो शंकर राय एनआईएस करने के बाद वो साई में बतौर प्रशिक्षक वो नियुक्त थे, जीवन पर्यंत उन्होंने लड़कों को प्रोत्साहित किया वॉलीबॉल से जुटाव। आज उनकी वजह से हमारे गांव से बहुत सारे लड़के, सैकड़ों लड़के निकले हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी में, नेशनल टीम में वो जा कर के खेले हैं और सरकारी नौकरियों में भी तमाम सैकड़ों लोग हमारे यहाँ से इंगेज हुए हैं। इसकी प्रेरणा शिवशंकर राय जी। कितने टीमें भाग लेंगी और ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो हो रहा है कितने दिनों का है, कितने टीमें इसमें भाग लेंगी? जी, 4 दिनों का है, 28 से 31 मार्च होना है। 11 टीमें अब तक कंफर्म हैं, ये 11 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग शहीद क्लब शेरपुर, एक हमारी स्थानीय रहेगी, बकिया 10 नेशनल टीम।